बाबा जी के आपको दर्शन प्राप्त दर्शन हुए। पूरे दर्शन प्राप्त हुए मेरे को, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे को इतनी जल्दी बाबा जी के दर्शन मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। नमस्कार मेरे प्रिय साधक एवं दर्शकों, आज आपके सामने भैरव बाबा की जो सिद्धि ट्रांसफर है उसका अनुभव रखने जा रहे हैं। और एक साधक आए हुए हैं जिनका नाम प्रदीप शास्त्री है और ये दिल्ली के रहने वाले हैं। और भैरव बाबा का सिद्धि का उनका अनुभव कैसा रहा और उनको कैसे शक्ति के दर्शन प्राप्त हुए और सब तो सिद्धि है भैरव बाबा की उससे कैसे काम ले पा रहे हैं, तो उनके मुख से उनका अनुभव उनका जो एक्सपीरियंस है आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो प्रदीप शास्त्री जी नमस्कार। सबसे पहले गुरु जी आपको जी आशीर्वाद सादर प्रणाम। आप लोगों को भी सबको नमस्कार श्रोताओ। जैसे कि गुरु जी ने बताया, मैं बहुत दिनों से 10 सालों से कम मतलब मैं इस क्षेत्र में मतलब इस जानकारी के लिए मतलब बहुत गहन मैंने तपस्या की है कि मतलब सीख पाऊँ, लेकिन मैं सीखने में असमर्थ रहा। और मेरे को फिर तब जा करके आपने सोचा कि नहीं जो है सिद्धि ट्रांसफर लिया जाए। सिद्धि ट्रांसफर लिया जाए जैसे ही गुरु जी ने बताया, मैं यहाँ पे आया मतलब बहुत ही कठिनाइयों के उपरांत ही यहाँ पे पहुँच पाया हूँ। क्योंकि रास्ता तो साफ है, लेकिन मेरे को मतलब एक सच्चे गुरु मिलने में मेरे को इतनी कठिनाई हुई कि मैं मतलब बता नहीं सकता जी आपको। रिहा आने के बाद मेरे को बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल प्राप्त हुआ। खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पे आया जी, मैं आपको फिर प्रणाम करता हूँ इस चीज की कि मेरे को आपके दर्शन हुए और बहुत ही अच्छी तरीके से आपने मेरे को बाबा जी के मतलब दर्शन प्राप्त किए। मैंने इस सूक्ष्म जगत में मतलब एक जो चीज होती है वाइब्रेंट चीज कह सकते हैं जिसे, जो मैं एक दिव्य दृष्टि से उसको देख पाया। और जो गुरु जी ने मुझसे सवाल पूछे, मैं तो हड़बड़ा गया था एकदम से कि मैं कैसे इनका जवाब दे पाऊंगा। अच्छा, लेकिन शास्त्री जी आप हमारे आश्रम पे आए, हमारा आश्रम आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा आश्रम लगा जी, बहुत खुला डुल्ला है जी, यहाँ पे रहने कोई दिक्कत नहीं है आपको। अच्छा, ना खाने पीने की सेवादार हैं कैसे हैं? खाने पीने कोई दिक्कत नहीं, सेवादार हैं जी हमारे। सोने के बाद सोते हैं और उठने से पहले ही उठ जाते हैं। मैं सोचता हूँ सोते कब है वो। वो यहाँ वैसे ही आपका है जी, वो भी यहाँ सीखने आए हैं, सेवा दे रहे हैं जी, और काफी दूर दराज से बेचारे आए हुए हैं। तो शास्त्री जी, आपने जब आपको सिद्धि ट्रांसफर दिया गया तो एक मिनिमम सा समय होता है, एक समय सीमा है जो सभी हम हर वीडियो में बताते हैं। तो सिद्धि ट्रांसफर जब दिया गया तो उसके बाद आपका जो अनुभव रहा बहुत अच्छा रहा, बाबा जी के आपको दर्शन प्राप्त हुए, पूरे दर्शन प्राप्त हुए मेरे को, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि मेरे को इतनी जल्दी बाबा जी के दर्शन मेरे को प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आपके यहाँ की जो है जो कुल देवी है, जो आपके यहाँ पूजनीय है माता काली, उनके भी दर्शन आपको उनके प्राप्त हुए? उनके भी दर्शन मेरे को प्राप्त हुए बहुत अच्छी तरीके। अच्छा, से ऐसा क्यों हुआ, आपने कभी सोचा ऐसा नहीं? क्यों मैं, हुआ? मैंने सिर्फ आपका आशीर्वाद जब मेरे हाल में मेरे सिर पे था तब मेरे को मतलब माता काली के दर्शन हुए। बिना आपके आशीर्वाद के मैं यहाँ पे उनका दर्शन करना मतलब असंभव था। देखिए शास्त्री जी, जब आपको कोई सिद्धि आपको प्राप्त हो जाती है तो सिद्धि की वजह से आपके जितने भी लॉक होते हैं वो लॉक खुल जाते हैं, जो सिद्धियां हैं वो आपसे जुड़ने लगती हैं, जो आपकी पहले करी हुई सिद्धि है वो भी आपसे जुड़ने लगती हैं। लेकिन जब आपने रियल में सिद्धि कर रखी हो तो लोग ज़्यादातर क्या बोलते हैं कि मैंने सिद्धि की, वो क्या करते हैं मंत्र को पकड़ते हैं और 2 दिन 4 दिन पढ़ लिया, कभी रात के 10 बजे पढ़ा, कभी 2 बजे पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, कभी 5 बार पढ़ा। उनकी कोई समय एक एक्यूरेट समय नहीं होता है सिद्धि करने का, और ये धारणा बना लेते हैं मैंने सिद्धि कर ली, जबकि रियल में उनको एक मन में तसल्ली होती है कि मैंने सिद्धि की, रियल में सिद्धि को नहीं होती, नहीं होती है। सिद्धि का मतलब होता है एक नियम से आप 41 दिन 34 दिन 31 दिन 21 दिन 11 दिन बैठ के एक अनुष्ठान करें प्रॉपर तरीके से, एक समय एक जगह। तो अगर ऐसी कोई सिद्धि करी हुई है तो हमारे पास आने के बाद जब सिद्धि ट्रांसफर लेते हैं तो अनलॉक हो जाती, खुल जाती है और दिखने लगती है। ये गुरु जी, ये मेरे को खुद हुआ है एहसास इस चीज का, क्योंकि मैंने 31 दिन की पहले सिद्धियां की हैं, जैसे हनुमान जी की थी। मेरे को कभी मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि वो मेरे साथ हैं, लेकिन जब मेरे को काली माता के दर्शन हुए, जो मेरी
इष्ट देवी हैं, उसके बाद मेरे को हनुमान जी के भी दर्शन प्राप्त हुए। ये मेरे साथ पहली बार अनुभव हुआ है जी, आपके आशीर्वाद से जब मेरे रास्ते सारे मतलब जो पूरी शक्तियां खुल गई हैं। देखिए हमारे यहाँ जब भी कोई अनुभव आते हैं तो ये हमारे आश्रम का पहला वैसे अनुभव है। और अभी तक अपना जो सिद्धि ट्रांसफर का प्रोसेस था अपने घर से करते थे, लेकिन अब आश्रम से ओपन हुआ है। बिल्कुल, तो एक प्रोसेस होता है कि हम शपथ लेते हैं कि भगवान शिव माता पार्वती की वचन लेकर के आप कहें कि आप सत्य बोलेंगे झूठ नहीं बोलेंगे। बिल्कुल जी, मैंने सत्य ही बोला है अब तक जो भी बोला है, अगर मैंने क्योंकि मैंने खुद इस चीज का आभास किया है और देखा है अपनी दिव्य दृष्टि से इन चीजों को। अच्छा। तब जाके मैं आपको इस चीज का मतलब उत्तर दे पाया उन चीजों का जो आपने मुझसे प्रश्न किए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही जीरो था आने से पहले। इसीलिए जो आपको प्रैक्टिकल लिया गया विज्ञान कसौटी पे खड़ा, ऐसी क्वेश्चन जो आपको पहले से ही दे दिए जाएं जो आपको ज्ञात ना हो, इसमें क्या है, क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या है, और आप उसे अपने पास रख ले, उसके बाद आपसे कहा जाए शक्ति का वाहन करके आप स्वयं से पूछिए कि जो आपको वस्तु दी गई है या कोई लिख के दिया गया है ये क्या है, और आप शक्ति से पूछे, शक्ति आपको आंसर दे, और उसके बाद आप उसको अपने अंदर से निकाले, खोले, खोल के उसको चेक करें कि हाँ यही चीज लिखी हुई है, यही चीज में रखी हुई है। हाँ जी, तो ये बहुत अच्छा विज्ञान कसौटी पे खड़ा है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका प्रैक्टिकल रहा। अच्छा, इसके अलावा जो आपको उस तौर तरीके सिखाए गए सिद्धि को उठाने के, मसान चलाने के, तंत्र चलाने के, तंत्र को पलटने के, तंत्र को काटने के, जो सारी गुप्त क्रियाएं सिखाई गई यहाँ प्रैक्टिकल के रूप में, बिल्कुल जी, तो वो आप पूरी तरीके से समझ गए। हाँ, पूरी तरीके से समझ गया जी, सब कुछ, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं जी। मैंने हर एक चीज को वर्ड बाय वर्ड अपने जैसे एक स्टूडेंट को समझाते हैं ब्लैक बोर्ड पे लिख के, वैसे मेरे को समझाया है जी, एक एक चीज बिल्कुल गहनता से। तो आप पूरी तरीके से संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरीके से संतुष्ट हूँ जी। जिसको भी मतलब अगर आगे से मतलब कोई भी शक्ति का मतलब जिसको प्रतीत नहीं हो रहा हो, अगर वो बहुत ही मतलब इन चीजों में साधना जारी रखना चाहता है, तो गुरु जी का एक बार आशीर्वाद जरूर लें यहाँ आके, मैं तो यही कहना चाहूंगा, क्योंकि उसके बिना रास्ता, गुरु के बिना रास्ता नहीं खुलता है। ये हमारे एक विडंबना है कि हमारे यहाँ पे इस पृथ्वी पे सब कुछ है, लेकिन होने के उपरांत भी कई मतलब गलत लोग होते हैं कि मतलब उनके रास्ते बांध देते हैं, वो रास्ते मेरे यहाँ के खुले हैं और मेरे को मतलब इन चीजों के दर्शन हो पाए हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, बस इतना है कि हमारे यहाँ दिखावा नहीं है। हाँ, दिखावा नहीं है जी। कारण ये है कि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं। बिल्कुल, दिखावा वो लोग करते हैं जो थोड़ा उस टाइप के लोग होते हैं, अपना क्या, हम सामाजिक व्यक्ति हैं, अपने और भी सारे बिजनेस काम होते हैं और अध्यात्म से जुड़े हुए हैं और काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। तो आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि जिनका रजिस्ट्रेशन है, जिनको शानी साधना का रजिस्ट्रेशन है, आप लोगों को जल्द ही बुलाया जाएगा। अब पुनः से रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है, तो आप लोग आइए, बुकिंग कराइए और शानी साधना कीजिए, सिद्धि ट्रांसफर लीजिए, आप सभी का वेलकम है। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी लोग स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आप सभी को आशीर्वाद, मंगल कामनाएं, जय शिवा शक्ति, नमस्कार।